नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट सर अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से आप क्लास 12th का थ्योरी और एक्सरसाइज का संपूर्ण सॉल्यूशन जान सकते हैं। आज से हम क्लास 12th का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि क्लास 12th में टोटल जो हो गया 13 चैप्टर्स हो गया, और यहाँ पर आपको सभी चैप्टर का थ्योरी और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा और सीरियली मिलेगा। तो क्लास 12 का थ्योरी बताने से पहले आप पहले जान लीजिए कि आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया रिलेशन का। रिलेशन को जानने से पहले आपको सेट सबसेट की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप हमारे पिछले वीडियो को देख करके आप जो है सेट और सबसेट की जानकारी ले सकते हैं। तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि सेट क्या है। तो सेट जान लीजिए कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं। सेट कहते हैं ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। यहाँ पर आप सेट के अंदर में जो भी एलिमेंट लेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, जैसे 1 1 नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 2 3 मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे एलिमेंट लेंगे। अब चलिए सबसेट में। तो सबसेट के बारे में आप जान लीजिए कि ए और बी दो सेट इस प्रकार हो, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी अवयव हो, तो ए को ही हम बी का क्या कहते हैं सबसेट कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल को भी देख लीजिए। 1 2 3 और बी बराबर ले लेते हैं 1 2 3 4। देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है बी में है 1 2 3, तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 है। तो हम ए को हम बी का हम क्या कहेंगे सबसेट कहेंगे, और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं ए सबसेट बी। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि बी जो हो गया इसको आप सेट भी बोल सकते हैं, ए की तुलना में सेट तो हुआ ही। यहाँ पर देखिए ए जो हो गया बी का सबसेट हो गया। अब हम आते हैं कि रिलेशन क्या है। तो आप जो है कि अपने परिवेश में भिन्न भिन्न तरह के रिलेशन देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि पिता का पुत्र के साथ रिलेशन होता है, भाई का बहन के साथ रिलेशन होता है, और आप देखते हैं कि दो रेखा एक दूसरे के समांतर है तो वह क्या है रिलेशन में है। तो हम अपने दिन जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के रिलेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे और उसका हम परिभाषा एग्जाम्पल सहित जानेंगे। आइए जानिए रिलेशन की परिभाषा को। रिलेशन, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका हिंदी हो गया कि माना कि ए और बी दो ओरिक समुच्च हैं, तो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी के किसी भी उप समुच आर को ए से बी में एक संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दो सेट लिया है ए और बी, आप चाहे तो एक सेट पर भी परिभाषित कर सकते हैं। तो वहां पर आपको करना क्या पड़ेगा कि जैसे यहाँ हम बी के जगह ए ले ले, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए क्रॉस ए करेंगे। तो आप एक सेट पर भी परिभाषित कर सकते हैं या दो सेट लेकर के भी परिभाषित कर सकते हैं। तो ए और बी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और एक समुच होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपको कि ए बराबर हो जाए कि 1 2 और बी बराबर हो जाए 2 3 4 ही ले लेते हैं। आप क्या कीजिए कि ए क्रॉस बी कीजिए, ए क्रॉस बी जैसे करेंगे तो 1 2 हो गया, 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 और आर में कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। जैसे कि आर में आप ले लेते हैं कि 1 2 1 3 ही ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि 1 2 1 3 इसमें क्या हो रहा है कि मिल रहा है, जैसे 1 2 1 3 आ गया। तो यही इसी प्रकार से हम लिखेंगे कि आर सबसेट ए क्रॉस बी। आप चाहे तो इसमें जितना भी पेयर है सभी आर के अंदर में ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आर में जो है पेयर की संख्या ए क्रॉस बी के बराबर भी हो सकता है या कम भी रख सकते हैं, क्योंकि आर जो है सबसेट है। अगर आपने सबसेट को नहीं जाना है तो सबसेट का परिभाषा जरूर देख लीजिए, उसके लिए भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप सबसेट को नहीं समझते हैं तो यहाँ पर आपको समझने में अवश्य परेशानी होगा। आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। यहाँ पर देखिए पीटीआर को भी देख लीजिए, पीटीआर हो गया 0.2 रिमेम्बर।
से बड़ा, से छोटा, से बड़ा या बराबर, से छोटा या बराबर, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, ये लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। यहाँ पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर, सिमिलर, इटीसी। यह सब दो वस्तुओं के बीच के संबंध को बतलाता है। अब सर्वांगसम यह भी क्या हो गया, संबंध को बतलाएगा। अब किसी भी संख्या किसी से विभाज्य हो यह भी एक संबंध को बतलाता है। इनको आप पूरी तरह से याद रख लीजिए। इसके अतिरिक्त भी बहुत ऐसे रिलेशन है, दैनिक जीवन में भी अनेक प्रकार के संबंध देखते हैं। पिता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध, माता पिता का संबंध, पुत्र माता का संबंध, अनेक प्रकार का संबंध होता है। और मैथमेटिक्स में भी यहाँ पर दो रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, दो रेखा एक दूसरे पर लंब होती है, यह सब मुख्यतः एक दूसरे के संबंध को बतलाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप रिलेशन के प्रकार को जानेंगे और अन्य महत्वपूर्ण रिलेशन के परिभाषा को भी आप जानेंगे। अगर आप सीरियली जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।